हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पोल्ट्री फार्म का 11वां दिन है। 10वें दिन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फार्म में अपने जगह को कैसे बढ़ाया जाता है, भूसे का बिछावन का उपयोग कैसे किया जाता है, उसमें चूने का छिड़काव वगैरह कैसे किया जाता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए। तो आज मेरे पोल्ट्री फार्म में चिक्स का 11वां दिन है, और आज के मैनेजमेंट की बात करें तो आज हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है। कर्टन मैंने खोल रखे हैं अपने फार्म के, क्योंकि चिक्स जब 10 से 11 दिन के हो जाते हैं तो इसे बिल्कुल भी बंद नहीं रख सकते। अगर हम पर्दे बंद करके रखेंगे तो तुरंत ही अमोनिया गैस बनने लग जाती है, जो कि फार्म में एक बैड हैबिट है। पोल्ट्री फार्मर्स आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो पोल्ट्री फार्मिंग करते होंगे, कि अमोनिया गैस पोल्ट्री के लिए कितना खतरनाक होता है। फार्मर्स कोशिश किया करें कि आप भी अपने फार्म के पर्दे हमेशा खोल कर ही रखें। पर्दों को सिर्फ उसी वक्त बंद करना चाहिए जिस टाइम बारिश हो रही हो अथवा ठंड लग रही हो, अदरवाइज पोल्ट्री फार्म को जालीदार इसलिए बनाया जाता है ताकि वो वेंटिलेशन होता रहे दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ पोल्ट्री बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं जिसकी वजह से गैस तुरंत बनने लग जाता है। तो आज का मैनेजमेंट कुछ खास नहीं है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फार्मर्स, कि हम अक्सर देखते होंगे कि हमारे बर्ड्स कभी कभी डायरिया करते हैं, उनके बीट में अलग अलग कलर के वो बीट करने लग जाते हैं कभी कभी, जैसे कि चॉकलेटी बीट, रेड कलर की बीट, ग्रीन कलर की बीट, पतली बीट। तो बर्ड्स के, जैसा कि बर्ड्स तो बोल सकते नहीं, इसलिए हमें फार्मर्स को खुद ही समझना पड़ता है कि आखिर बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम है, वो बीमार है या नहीं, स्वस्थ है या नहीं। तो पोल्ट्री जब बीट करता है तो बीट देखकर ही फार्मर्स ये पता लगा पाता है कि हमारा बर्ड स्वस्थ है। तो एक स्वस्थ बर्ड का बीट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फार्मर्स, जो हेल्दी बर्ड होता है उसका बीट दो कलर का होता है, एक भाग उसका वाइट होता है, एक भाग उसका ब्राउन ब्लैकिश टाइप का होता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, हम बर्ड के बीट को देखकर ये पहचान सकते हैं कि बर्ड स्वस्थ है। बर्ड के बीट में जो दो भाग होते हैं वाइट और ब्लैक का, उसमें 20% वाइट भाग होना चाहिए और 80% उसका ब्राउन भाग होना चाहिए। अगर बर्ड इस तरीके से बीट करता है तो आपका पोल्ट्री जो है एकदम स्वस्थ है, और अगर इस बीट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको मैनेजमेंट में सुधार लाने की ज़रूरत है। अपना मैनेजमेंट सुधारिए और कोशिश करिए कि बर्ड्स हमेशा इसी तरीके से बीट करें और स्वस्थ रहे। और बर्ड जब इस तरीके से बीट करता है तो इसका मतलब ये भी है वो अच्छे से फीड खा रहा है, उसका डाइजेशन भी अच्छा है और वो वेट गेन भी अच्छे तरीके से करेगा। ये छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं फार्मर्स, यही हमको प्रॉफिट और लॉस देते हैं। फार्म को अच्छे से मैनेज करिए और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा।